नमस्कार, खम्मा गणी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सर्व समाज ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, निष्पक्ष जाँच की मांग। कचोलिया गाँव के इंद्रराज मीणा पुत्र रूप में बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक समरसता के भाव के साथ करा रहे निःशुल्क तीर्थ यात्रा। आईसेक केंद्र अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्थापक प्रदीप सुमन ने बेरोजगार युवाओं को दी जानकारी। सीएम गहलोत बोले, राज्य में होगी जातिगत जनगणना। जायदा खान की रैली में चले लात घूंसे, दो युवकों ने की काले झंडे दिखाने की कोशिश तो समर्थकों ने पीटा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। इटावा नगर के सर्व समाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर पूर्व पालिका उपाध्यक्ष भरत पारिता पर हमला करने के मामले की सीआईडी सीबी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सर्व समाज के लोगों ने बताया कि हमले के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत समाजसेवी रिंकू सोनी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वर्तमान में इनकी पत्नी नगरपालिका इटावा में अध्यक्ष पद पर आसीन है, इसलिए इनकी छवि धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। उक्त मामले के तथ्यों के आधार पर न्यायपूर्ण कार्यवाही बिना दबाव के निष्पक्ष रूप से हो, इसके लिए इस प्रकरण की जांच सीआईडी सीबी में या अन्यत्र उच्च अधिकारी से कराने की मांग की है। इस अवसर पर सर्व समाज के वार्ड पार्षद गंगाधर नागर, पार्षद कैलाश आर्य, पार्षद रामोतार पंकज, महावीर सुमन, राजेंद्र बैरवा, राकेश बैरवा, उमाशंकर बैरवा, महेश बैरवा, मनीष कोठारी, नरेंद्र मंगल, निजाम अंसारी, ट्रेलर भुवनेश सेन, दीपू सोनी सहित कई व्यक्ति मौजूद रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। कोटा जिले के दिगोद उपखंड क्षेत्र में कचोलिया गांव निवासी विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा कलयुग के श्रवण कुमार के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने गांव की 25 बुजुर्ग गरीब परिवारों की महिलाओं को अपने खर्चे से तीर्थ यात्रा करवाई, जहां सभी यात्रियों को कचोलिया ग्राम पहुंचने पर भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें स्वागत के लिए पूरा गांव व आसपास के गांव के लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर कचोलिया गांव में हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा के पाठ के पश्चात शुरू हुए शोभा यात्रा के बाद अंत में भारत माता की महाआरती का कार्यक्रम हुआ। इसके साथ ही बजरंग दल द्वारा इंद्रराज मीणा का माला पहनाकर व दुपट्टा धारण करवाकर भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी यादव, नंदलाल प्रजापत द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित किया गया। मौके पर बजरंग दल जिला संयोजक रामेश्वर राठौर, पटेल बाबूलाल मीणा, रामेश्वर रामप्रताप, वैद्यनाथ पुष्पदयाल, जगदीश प्रजापत, आनंदीलाल मीणा, बाबूलाल मीणा, चंद्रेश शिवम, मनोज अर्जुन, मोडूलाल मीणा, हरिओम गिरिराज समेत सैकड़ों ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी। गौरतलब है कि सामाजिक समरसता के संदेश के साथ कचोलिया गांव के विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा प्रतिवर्ष ऐसी बुजुर्ग माता जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उनके परिवार द्वारा तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं है, उन्हें पुत्र बनकर श्री बद्री विशाल, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि की निःशुल्क यात्रा करवाते हैं। इस वर्ष भी 25 माताओं को सामाजिक भेदभाव को मिटाते हुए सामाजिक समरसता का भाव के साथ मदुरई में मां मीनाक्षी, अम्मन मंदिर, मुख्य माता लक्ष्मी, भोलेनाथ के दर्शन करवाने के बाद सुबह कन्याकुमारी से मुख्य रूप से सूर्योदय के दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा आदि जगह की तीर्थयात्रा करवाई गई। इस दौरान यात्रा सफलतापूर्वक गांव पहुंचने पर बुजुर्ग महिलाओं ने श्रवण कुमार बने इंद्रराज मीणा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो मेरे लाल। इस दौरान बूढ़ी माताओं ने आंखों में अश्रु लिए, कहीं आज हमारा स्वप्न पूरा हुआ। इस दौरान पूरा गांव का वातावरण धर्ममय व जय घोषों से गुंजायमान है। संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में कौशल विकास के महत्व को युवाओं से साझा करने के उद्देश्य से आईसेक की देशव्यापी कौशल विकास यात्रा इटावा पहुंची। इस अवसर पर अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्थापक प्रदीप सुमन ने कौशल विकास यात्रा का इटावा में जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल रामनारायण मीणा, विशिष्ट अतिथि राजस्थान आईसेक स्टेट हेड शैलेश बंसल और कार्यक्रम संचालक राजस्थान आईसेक बीडी अनुराग पारी, वो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अमरदीप बाथम रहे। कार्यक्रम के दौरान अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन अर्जुन कॉलोनी पीपलदा रोड इटावा के संस्थापक प्रदीप सुमन ने बेरोजगार युवाओं व विद्यार्थियों को बताया कि भारत सरकार के आईसेक एनएसडीसी के माध्यम से संस्था में विभिन्न प्रकार के रोजगारोन्मुखी कौशल युक्त कोर्स सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर, डीटीएच टेक्नीशियन, सोलर पैनल टेक्नीशियन, कसीदा, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्वर्टर टेक्नीशियन, हेल्पर, वायरमैन, डीजल इंजन टेक्नीशियन, डांसिंग, कुकिंग, डेटा एंट्री ऑपरेटर, रिटेल लैंग्वेज, जर्नलिस्ट इन मीडिया, जीडीए नर्सिंग आदि 100 से अधिक कोर्स निःशुल्क करवाए जा रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी और बेरोजगार युवा
और युवतियां प्रवेश लेकर नेशनल व मल्टीनेशनल औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। प्रदीप सुमन ने बताया कि विभिन्न प्रकार के कोर्सों में निःशुल्क प्रवेश लेने के लिए शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 तक है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि शैलेश बंसल ने बताया कि यह कौशल विकास यात्रा विद्यार्थियों को जागरूक और अवेयरनेस को लेकर के प्रारंभ की गई है। यह यात्रा 20 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच पूरे देश में 20 राज्यों और लगभग 250 जिलों में विभिन्न मार्गों पर एक साथ चलते हुए सैकड़ों जिलों, ब्लॉक, तहसील मुख्यालय से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश के युवाओं में रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम के प्रति चेतना का विकास करना बताया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भारत के विकास तथा निर्माण में कौशल का विशेष महत्व रहेगा और स्किल में पारंगत व्यक्ति ही रोजगार प्राप्त करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि आईसेक पूरे भारतवर्ष में अपने प्रशिक्षण केंद्रों और संस्थाओं के माध्यम से 13 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और आईसेक एनएसडीसी द्वारा अर्धशहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर, आईटी, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जैसे रोजगारों उन्मुखी विषयों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टीचर प्रशिक्षण, टेक्सटाइल, एग्री स्किल्स तथा रिटेल आदि विषयों के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इस अवसर पर अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन ओके वोकेशनल ट्रेनर राकेश बैरवा, दीपक सुमन, रिंकू सुमन और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा के वोकेशनल ट्रेनर पंकज शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। सीएम गहलोत ने राजस्थान में भी जातिगत जनगणना करवाने की बात को फिर से दोहराया है, लेकिन इसका कोई तय समय नहीं बताया। सीएम ने कहा कि राज्य में जातिगत जनगणना होगी और हम बिहार पैटर्न पर यहां काम करवाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भी बिहार पैटर्न पर जातिगत योजना जनगणना करवाई जाएगी। शुक्रवार को कांग्रेस की कोर कमेटी की पीसीसी के वॉर रूम में लंबी बैठक हुई। उसके बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि राहुल गांधी ने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कराई गई जाति जनगणना को रोका नहीं है, अब सरकार यहां भी जातिगत जनगणना के आदेश जारी करे। इस बारे में संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ध्यान में रखा जाएगा। राजस्थान में चुनावी आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक के बाद एक कई घोषणाएं कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा के बाद शनिवार को 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी। इन नवगठित बोर्ड में राजस्थान राज्य राजा बलि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड एवं राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल है। सभी बोर्ड संबंधित वर्गों की स्थिति का जायजा लेने, प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर वर्गों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव राज्य सरकार को देंगे। इन बोर्ड द्वारा संबंधित वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करने, उनके लिए वर्तमान में संचालित विभिन्न योजनाओं के संबंध में विभिन्न विभागों से समन्वय करने, परंपरागत व्यवसाय को वर्तमान तौर तरीकों से आगे बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने तथा शैक्षिक व आर्थिक उन्नयन के संबंध में सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों के विरुद्ध ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य सहित 5-5 गैर सरकारी सदस्य होंगे तथा राज्य के विभिन्न विभागों के शासन सचिव, आयुक्त, निदेशक, संयुक्त निदेशक और उपनिदेशक स्तर के अधिकारी सरकारी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक स्तर के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली,
एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छात्र राजनीति से निकले कई छात्र नेता मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष और विपक्ष में अपना नाम चमका रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, हनुमान बेनीवाल और कालीचरण सराफ जैसे कई नाम इस फहरिस्त में शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी अब बेहद नजदीक आ चुके हैं। बहुत कम समय है, कभी भी चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो सकता है। इस बार भी कई छात्र नेता इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं। सभी पार्टियां जनता को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि युवाओं और छात्र छात्राओं के समर्थन के लिए पार्टियां इस बार भी छात्र नेताओं को टिकट दे सकती है। कुछ छात्र नेताओं ने इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा भी पेश किया है। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी भी युवाओं के बीच एक जाना पहचाना नाम बनकर उभर रहे हैं और जोधपुर से अलग हुए जिले फलोदी के लोहावट क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों के बीच रहकर करीब से उनकी समस्याओं को पहचानते हुए उन्होंने, अभी सबसे ज्यादा बढ़ रही समस्या युवाओं को नशे की गिरफ्त से मुक्त करने का मुद्दा है, जिसे वो सदन में उठाने की चाहत रखते हैं। अभिषेक चौधरी ने टिकट नहीं भी मिलने पर निर्दलीय लड़ने की बात पर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को टिकट देगी उसके सपोर्ट में खड़े होकर पार्टी का साथ देंगे। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास जोधपुर के कॉलेज से 55 साल बाद बतौर निर्दलीय अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद सुर्खियों में आए रविन्द्र सिंह भाटी भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में उतरने की तैयारियों में जुटे हैं। कोरोना की वजह से वे लगातार 3 साल तक जेएनबीयू के अध्यक्ष रहे। चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जिस पार्टी से जनता चाहेगी उस पार्टी पर मैं विचार करूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय के 2019 में एबीवीपी प्रत्याशी और 2016 में लो कॉलेज के चुनाव जीतने वाले अमित बड़वाल भी शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से अपनी ताल ठोकने को तैयार है। राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही पार्टियों द्वारा बैनर होर्डिंग्स के माध्यम से प्रचार प्रसार हो रहा है। इस प्रचार प्रसार में एक रोचक मामला सामने आया। सिरोही जिले के रेवदर में एक भाजपा नेता का बैनर चर्चाओं में आ गया, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जगह विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का फोटो बैनर में लगा दिया। ऐसे बहुत से रिक्शों में कस्बे में घूमने लगे, तब लोग उसके फोटो वीडियो लेने लगे। भाजपा नेता रमेश कोहली को पार्टी ने अपने सदस्यता अभियान का विधानसभा सह संयोजक बनाया। वो विधानसभा से इस बार दावेदारी भी जताई, लेकिन उनके द्वारा बूथ जनसंपर्क अभियान के लिए रिक्शों पर प्रचार के लिए लगाए बैनर चर्चा का विषय बन गए। हालांकि कुछ देर बाद लोगों द्वारा अवगत कराने पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फोटो पर सफेद कागज लगा दिया गया, पर पूरा मामला लोगों में हंसी की ठोली बन गया। जहां पार्टी नेता को प्रदेश अध्यक्ष के फोटो में गलती नजर न आ सकी, कई लोगों ने इसे मानवीय भूल बताया, पर कई लोगों का यह भी कहना है कि बैनर तैयार होने से पहले एक बार चेक तो करवाया ही होगा। विधानसभा चुनाव नजदीक है, कुछ पार्टियों ने अपने कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, वहीं कुछ पार्टियों का अभी टिकट फाइनल करना बाकी है। ऐसे में सभी टिकट मिलने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क और जनसभा कर रहे हैं। ऐसे एक जनसंपर्क में रैली में लड़ाई झगड़े होने की बात भी सामने आई, जहां मंत्री की रैली में उनका विरोध करने पर उनके समर्थकों ने दो युवकों को लात घूंसों से पीट दिया। भरतपुर के नजदीक डीग जिले में शुक्रवार की देर शाम मंत्री जाहिदा खान ने भी अमरुका चौराहे से एक वाहन रैली निकाली, जो कि केतवाड़ा होते हुए झींझपुरी पहुंची। जगह जगह लोगों ने मंत्री जाहिदा खान का स्वागत किया। जैसे ही मंत्री जाहिदा खान की रैली केतवाड़ा पहुंची, तभी वहां मौजूदा दो लोग अपनी दुकानों में काले झंडे लगाए हुए थे। वो काले झंडे लेकर रैली की ओर बढ़े, तभी मंत्री जाहिदा खान के समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनकी जोरदार पिटाई कर डाली। इस दौरान वहां मौजूद पुलिसकर्मी बीच बचाव करते हुए नजर आए। पुलिस ने इस झगड़े के बाद पुलिस ने किसी को हिरासत में नहीं लिया।
कांग्रेस के दावेदार सरकारी योजनाओं को अपनी ताकत मानते हैं और इन योजनाओं को लेकर वे जनता के बीच चुनावी मैदान में उतरे। ये कहना है सांगोद कांग्रेस के विधानसभा दावेदार हरिप्रकाश शर्मा का। सांगोद कांग्रेस में कांग्रेस का चेहरा बन चुके पूर्व सरपंच हरिप्रकाश शर्मा जहां एक तरफ ये खुलासा कर चुके हैं कि इस बार आलाकमान हर विधानसभा क्षेत्र में दावेदारों का कई स्तर पर सर्वे करवा चुका है, इस बार टिकटों का वितरण सिर्फ सर्वे पर आधारित होगा। वहीं हरिप्रकाश शर्मा के मुताबिक राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी उपलब्धियां और इन्हीं उपलब्धियों के सहारे ही वे चुनावी मैदान में जाएंगे। हरिप्रकाश शर्मा के मुताबिक गहलोत सरकार ने कई सारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है जिन्हें लेकर वे जनता के संपर्क में हैं। जनता को उन योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहे हैं। हरिप्रकाश शर्मा दिगोद से लेकर सांगोद तक क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच जाते हैं और आमजन को योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है उसका फीडबैक लेते रहते हैं। हरिप्रकाश के मुताबिक गहलोत सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के लिए काम करती रही है, चाहे चिरंजीवी योजना हो या 100 यूनिट बिजली फ्री करना, गैस सिलेंडर की दरें कम करना, पशु बीमा योजना, कृषि बिजली कनेक्शन सहित ऐसी कई योजनाएं हैं जो जनता से सीधे जुड़ी हुई है और वे इन्हीं योजनाओं के सारे जनता के बीच जाएंगे और सांगोद से फिर एक बार कांग्रेस को जीत हासिल होगी। कोटा के छावनी इलाके में दिनदहाड़े चाकू मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पड़ोसी युवक ने ही बीच सड़क पर चाकू से हमला किया और महिला को मौत के घाट। दिनदहाड़े बीच सड़क पर हुई हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की वारदात के बाद पूरी सड़क खून से लाल हो गई। मृतका 35 वर्षीय कमलेश कुमावत छावनी इलाके की निवासी थी और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। पड़ोसी वीरू ने ही हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। वीरू की बहन कुछ दिनों पहले किसी के साथ भाग गई थी। वीरू का शक था कि महिला कमलेश ने ही उनकी बहन को भगाया था। इसी बात को लेकर कमलेश रंजिश पाले हुए था। आज दिनदहाड़े घर से बाहर निकलते ही आरोपी वीरू ने महिला कमलेश को चाकू से गला काटकर मौत के घाट उतार दी। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सर्व समाज ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया, निष्पक्ष जांच की मांग। कचोलिया गांव के इंद्रराज मीणा पुत्र रूप में बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक समरसता के भाव के साथ करा रहे निशुल्क तीर्थ यात्रा। आईसेक केंद्र अर्जुन ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्थापक प्रदीप सुमन ने बेरोजगार युवाओं को दी जानकारी। सीएम गहलोत बोले राज्य में होगी जातिगत जनगणना। जायदा खान की रैली में चले लात घूंसे, दो युवकों ने की काले झंडे दिखाने की कोशिश तो समर्थकों ने पीटा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।